सुबह से ऐसे बैठी हुई है, कोई काम नहीं कर रही, यहीं पे बैठी हुई है। अभी हम लोग खेल रहे थे तो मैंने मम्मा से पूछा कि खाना नहीं खाना, मम्मा कहती है अभी कोरमा बनेगा, तो फिर मैंने बोला तो चलो मम्मा रेसिपी शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जुनैरा अपने सारे टॉयज बिखार देती है, तो अली भाई को साफ करने पड़ रहे हैं, और ये हमेशा ऐसी करती है। टॉयज खेल रही थी सुबह से हम लोग टॉयज ही खेल रहे थे। इसने यहाँ पे स्विमिंग पूल बनाया था अपने टॉयज के लिए, और अभी यहाँ पे इसने पानी गिराया और ये अब पोछा लगा रही है, देखें। तो फ्रेंड्स आज हम लोग मटन कोरमा बनाने वाले हैं। ये 3 बड़े प्याज, छोटा अदरक का टुकड़ा, 3 चम्मच कोरमा मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, और 1 किलो गोश्त मम्मा ने धो के यहाँ पे रख दिया था, आधा कप दही। और अब हमें फुल आंच पे चूल्हा जला के आधा कप ऑयल डाल देना है इसके अंदर। और अब हमें ऑयल के अंदर प्याजों को डाल देना है। फ्रेंड्स प्याज ब्राउन होने वाले हैं। फ्रेंड किचन की लाइट ख़राब है और फ्लैश के मोबाइल की फ्लैश से हम लोग शूटिंग कर रहे हैं। अब हमने प्याजों को बाहर निकाल लेना है। यहाँ पे प्याज ब्राउन हो गई है। गर्मी बहुत थी इसलिए मम्मा ने एक शॉर्टकट ढूंढा। मम्मा ने आधे प्याज वो ब्राउन करके उसके अंदर गोश्त डाल दिया और अच्छे से भून लिया। जब गोश्त भुन जाएगा तब उसके अंदर बाकी सारे मसाले डाल के और दही डाल के और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उसको अच्छे से भून लेना है। और फिर 2 कप पानी डाल के तो फ्रेंड्स यहाँ पे पापा खोपरे को क्रश कर रहे हैं। अगर आप लोग के पास काजू और बादाम है तो आप लोग उसको भी क्रश करके उसका पेस्ट बना के डाल सकते हैं। हमारे पास सिर्फ खोपरा था इसलिए हम लोगों ने खोपरे को ही डाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो दही गिरा था वो भी मम्मा ने साफ कर दिया है। फ्रेंड्स खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, वाह मुंह में पानी आ रहा है। फ्रेंड्स जो यहाँ पे दही गिरा था वो आप लोग ये मत समझेगा कि रेसिपी का हिस्सा है, रेसिपी का हिस्सा नहीं है। आप लोग कहीं दही मत
तो फ्रेंड्स अब 2 कप पानी डाल देना है गोश्त के अंदर गलने के लिए, इसको छोड़ देना है। देखते हैं फ्रेंड्स गोश्त गला या नहीं। गल गया फ्रेंड, गोश्त गल गया है। इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट, अदरक डाल के पेस्ट पहले डाल दिया था, और ये क्रश कीवी प्याज डाल के पकाते हैं। और अब इसके अंदर क्रश किया हुआ नारियल डाल दें, अगर आपके पास पिस्ता बादाम है तो वो भी पेस्ट बना के डाल दें। और अब इसको ढक कर 5 मिनट तक पकाना है हमें हल्की आंच पे। कोरमा कहाँ तक पहुँचा, नमक सबसे एंड में डालना चाहिए। तो फ्रेंड्स हमारा कोरमा माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा है देखिए, और बहुत यमी भी लग रहा है। आप लोग अब ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा ट्राई करके, और अपनी फैमिली के साथ भी ट्राई करें और ख़ुद भी खाएं। और बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें। मिलती हूँ मैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।